नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर। केंद्रीय मीडिया हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी व प्रदेश अध्यक्ष इमरान उस्मानी व प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने पीड़ित पत्रकारों की उठाई आवाज और माननीय राज्यपाल को माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। विषय: एक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखकर पत्रकारों को जेल पहुंचाना, यह एक निंदनीय विषय है। दो, उत्तर प्रदेश शासन में उत्तर प्रदेश पुलिस व राजनेताओं द्वारा पत्रकारों को प्रताड़ित करना, यह निंदनीय विषय है। तीन, पत्रकारों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाना एक निंदनीय विषय है। एक निंदनीय घटना कानपुर नगर थाना नौक्सता अंतर्गत हुई है। पत्रकार नसीम सिद्दीकी के साथ पुलिस रिटायर्ड दबंग सत्ताधारियों ने पत्रकार नसीम सिद्दीकी की जान लेने की कोशिश करते हुए उनके पिता मोहम्मद समीम साजन टेलर की दुकान पर दिनदहाड़े लूटने का प्रयास करते हुए दुकान में मौजूदा लाखों के सामान के साथ बंद दुकान का शटर व दीवार को तोड़ा गया। पत्रकार नसीम सिद्दीकी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के हर जिले में हर दिन पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखकर पत्रकारों को जेल पहुंचाना उत्तर प्रदेश पुलिस व राजनेताओं द्वारा हो रहा है, जबकि एक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जनता व देश की समस्याओं को कवरेज करता है ताकि सच दिखाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती है, जबकि पत्रकार भी भूखा प्यासा रहकर समाज की सेवा करता है। पत्रकारों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का यह रवैया निंदनीय है। पत्रकार का भी मान सम्मान इस भारत देश में उतना ही है जितना कि भारतीय राजनेताओं व सरकारी अधिकारियों का है। पत्रकारों का मान सम्मान आज आम नागरिकों के जैसा कर दिया गया है। भारत सरकार यह भूल गई है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। यदि चौथा स्तंभ पत्रकार लोकतंत्र से हट जाए तो सरकार चलाना मुश्किल कार्य होगा। भारत सरकार से हमारी मांगे: एक, पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार एक ठोस कदम उठाए। दो, संपूर्ण भारत में पत्रकारों के ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे हैं उन मुकदमों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। तीन, पत्रकारों की जान की सुरक्षा व पत्रकारों का मान सम्मान बना रहे ऐसा कोई कानून होना चाहिए। चार, न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को भी सरकारी मान्यता प्राप्त कराई जाए। पांच, न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। छह, पत्रकार पर जगह जगह हो रहे हमलों में तुरंत कार्रवाई हो और आरोपियों को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजा जाए। सात, समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों को सहयोग न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आठ, मृतक पत्रकार के परिजनों की रोजी रोटी की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार को मृतक पत्रकार के परिजनों को पेंशन योजना दी जाए। नौ, पत्रकारों का मासिक भत्ता लागू किया जाए। दस, पत्रकारों से टोल टैक्स माफ किया जाए। आज कानपुर नगर में केंद्रीय मीडिया हेल्पलाइन एसोसिएशन के द्वारा वह समस्त पत्रकार बंधुओं ने मिलकर पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने व उनके ऊपर झूठे मुकदमे जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की, जिसमें केंद्रीय मीडिया हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी व प्रदेश सचिव नसीम अहमद व मंडल अध्यक्ष वासिफ खान, जिला अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी, जिला मंत्री फरमान, जिला महासचिव सचिन कुशवाहा, शहनशाह आलम द्वारा जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया। जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ समीर खान की रिपोर्ट। हमने कानपुर नगर से मई शहर अगर इससे पहले भी मैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि बहुत हत्याएं हुई हैं। हर हफ्ते, एक महीना गुजर नहीं पाता, हफ्ता गुजर नहीं पाता, कहीं ना कहीं की न्यूज़ आ जाती है सुनने को कोई ना कोई जिले से कि पत्रकार के ऊपर अत्याचार हुआ है और ज्ञापन भी दिया गया है, खबर प्रकाशित भी हुई है। और यहाँ तक कि हम तो ये भी जानते हैं कि पुलिस को पता भी रहता है कि पत्रकार से अभद्रता करने वाला कौन है, बदतमीजी करने वाला कौन है, और कहीं ना कहीं पर पुलिस की साठ गांठ से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन इसमें साठ गांठ है, प्रशासन की इसमें साठ गांठ है? बिल्कुल साठ गांठ है। प्रशासन अगर चाह ले तो जो पत्रकारों पर अत्याचार करते हैं या पत्रकारों की हत्या होती है उनको 24 घंटे के अंदर ढूंढ के उचित उचित कार्रवाई करके जेल भेजने का काम